हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी इमेज के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस आदमी का इमेज है, आपको उसके बारे में नहीं पता है कि वो किसका इमेज है और आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि वो कौन है आदमी, कहाँ से है, क्या काम करता है, तो आप उसके बारे में कैसे पता करेंगे, वो भी सिर्फ इमेज से। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आए कि आप किसी भी इमेज के बारे में कैसे जान सकते हैं कि वो किस व्यक्ति का इमेज है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आइए आपको लेके चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि ये किस व्यक्ति का इमेज है, यानी कि किस व्यक्ति का ये फ़ोटो है। और आप 2 मिनट में इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है और इसमें सर्च करना है www.google.com। और google.com सर्च करने के बाद से यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल ओपन होने के बाद से यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा इमेज, तो इमेज पर क्लिक कर लेना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप मोड इनेबल होते ही यहाँ पे देखिए गूगल के माइक के पास में कैमरे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से 2 ऑप्शन खुलते हैं, एक URL के लिए और एक फ़ोटो अपलोड के लिए। तो फ़ोटो अपलोड पे आपको क्लिक कर लेना है और जिस फ़ोटो के बारे में जानना चाहते हैं उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है। और फ़ोटो को अपलोड करने के बाद से यहाँ पर रिजल्ट आप देख लेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में आपने सर्च किया होगा, जिसका फ़ोटो होगा, उसका नाम, फ़ोटो, प्रोफाइल, सारी डिटेल खुल के आ जाती है। जैसे कि इस फ़ोटो को अपलोड किया मैंने और यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम आ गया है अजय नागर कैरी मिनाटी। और इसके बारे में विकिपीडिया पर आके आप सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख रहा है अजय नागर के नाम से, कैरी मिनाटी। और ये देखिए इसकी सारी फ़ोटोज़ भी आ गई हैं। और भी वेबसाइट पर इस आदमी के प्रोफाइल के बारे में आप देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं फिर ऐसी एक वीडियो के साथ अगले वीडियो में।